Visa and residence opportunities in UAE for expats and investors. आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि एक्सपैट्स और इन्वेस्टर्स के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। हम इस वीडियो में मुदरजा जेल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हम आपको टाइप्स ऑफ यूएई वीजा के बारे में बताएंगे। लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा क्या है और इसको कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है। वीजा एप्लीकेशन कैसे देते हैं, वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, वीजा प्रोसेस करने में कितना वक्त और सरमाया लगता है, स्पेशलाइज टैलेंट के लिए कौन सा वीजा है और कौन इसको क्वालिफाई कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। द हाई स्किल्ड फॉरनर्स या जिनको हम एक्सपैट्स कहते हैं या द वेल्दी पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द यूएई। सो नाउ रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पॉलिसी और काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट्स एन इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी जो कि उन्होंने फॉरनर्स के लिए बनाई है और ऐसे लोगों के लिए बनाई है हु आर वेरी वेल्दी, हु आर वेरी वेल ऑफ एंड दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द यूएई। सो नाउ व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द यूएई तो यूएई ने क्या किया है दैट दे हैव स्पेसिफाइड अ वीजा उनके नाम से विच इज द यूएई लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा सिंस दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन देयर कंट्री। अब ये जो वीजा है दे टॉक अबाउट कि ये कितने टाइम के लिए इशू होता है, वी विल बी स्टडिंग ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। लेकिन इसमें जो ओवरव्यू है या इंट्रोडक्शन है इसके दैट इज यूजली इट इज इशूड फॉर 5 to 10 years और इट डिपेंड्स ऑन द एलिजिबिलिटी कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट बिकॉज यू नो वीजाज जो इशू होते हैं दे डिपेंड अपॉन वेरियस बिजनेसेस। हर तरह के वीजाज होते हैं, हर कंट्री देता है और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी यू बिलोंग टू और यू आर एलिजिबल फॉर। तो यहाँ पर आगे जो है वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट कैटेगरीज बट दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के वीजाज दिए जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए फॉर द फॉरनर्स हु आर स्किल्ड एंड फॉर द वेल्थी पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी टॉकिंग बिफोर। अच्छा, इसके अंदर वी हैव टूरिस्ट वीजाज, वी हैव द रेजिडेंस वीजाज, देन स्टूडेंट वीजाज, वर्क वीजाज, फैमिली वीजाज एंड ऑल ऑफ दोज। लेकिन बिकॉज वी आर स्टडिंग द स्पेसिफिक टाइप्स विच आर द एक्सपैट या रेजिडेंस वीजा जो यूएई में, बिकॉज यूएई में एक्सपैट्स और इन्वेस्टर्स को मिलता ही लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा है। दे आर नॉट कॉल्ड अपॉन अ टूरिस्ट वीजा या कोई स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा। वी वॉन्ट इवन से कि वो वर्क वीजा है बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉर वर्क, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी। सो दैट इज वाई यूएई ने एक नया परस्पेक्टिव दिया है वीजाज को विच इज द लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा। देन देर इज द लास्ट टाइप विच इज यूएई ट्रांजिट वीजा, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो ट्रांजिट के लिए मिलता है व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री और आपको सिर्फ ट्रांजिट वीजा चाहिए बिकॉज यू आर स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर विच वीजा जनरल टाइप्स ऑफ वीजाज जस्ट टू नो कि कितने टाइप्स के वीजाज होते हैं और उसमें से इन्वेस्टर्स को कौन सा दिया जाता है, दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर। नाउ दिस इज द मेन टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ कि हु क्वालिफाइज फॉर यूएई लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा। दिस इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीजा विच वी आर कंसर्न अबाउट। अच्छा, इसमें दो तरह के वीजाज होते हैं, एक 10 साल का होता है, एक 5 साल का होता है। दोनों होते लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजाज ही हैं बट we have two different categories. Now if we talk about the 10 year wala visa to who is eligible for that. ab invest to dono log kar rahe hain, main bhi kar rahi hu, koi aur bhi kar raha hai, but ek ko 10 saal ka mil raha hai, ek ko 5 saal ka mil raha hai. So what is making a difference there, that is the amount of investment we are making. Jo jitni investment karega usko us hisab se UAE is going to be giving the visa. अगर हम 10 साल वाले वीजा की बात करें तो यहाँ पर दे आर सेइंग दैट इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द 10 ईयर यूएई लॉन्ग टर्म वीजा तो आपको ये जो नीचे दो इन्होंने कंडीशंस दी हैं यू हैव टू फुलफिल दैट। नंबर वन इज दैट यू मस्ट इन्वेस्ट 10 मिलियन दिरहम्स इन द पब्लिक सेक्टर यूएई के अंदर। एटलीस्ट 10 मिलियन दिरहम्स आपने इन्वेस्ट किए हों पब्लिक सेक्टर के अंदर, देन दे आर गोइंग टू गिव यू द 10 ईयर लॉन्ग टर्म वीजा। और is if you're an expat again a person who is specialized with the talent, okay, if you're a doctor you want to pursue your services there, you're a scientist you want to work for the UAE, inventor, specialist or of any special talent if you have that and you want to you know pursue your whole career in their land, theek hai, unke land par jaakar aap wo sab services unko dena chahte hain, then you might get the 10 years wala residence visa. And if you talk about the 5 years wala visa, to definitely it has different conditions.
नंबर वन कंडीशन इज कि उससे पैसे थोड़े कम है, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने सिर्फ बताया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो यूएई में, ठीक है, उस वीजा को दे ऑल्सो कॉल द यूएई इन्वेस्टर वीजा या प्रॉपर्टी वीजा, लेकिन ओवरऑल ये रेजिडेंस वीजा ही होता है, ठीक है, बिकॉज यूर अल्टीमेटली यूर गेटिंग द रेजिडेंस देयर, इमिग्रेट को हो रहे हैं वहां पर, तो आप वहां की किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या यूर एन ऑन्टरप्रनोर एंड यू हैव एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट देयर, यूएई के अंदर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड द कंडीशन इज दैट यू हैव इन्वेस्टेड अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 500,000 दिरहम्स, ठीक है, तो देन यू गेट अ 5 ईयर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा. और द थर्ड एग्जाम्पल दे हैव दैट इज नथिंग टू डू विद द इन्वेस्टिंग और द स्पेशलाइजेशन, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक और कैटेगरी मैंशन करी है दैट इफ यू एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, आपका GPA जो है वो 3.75 है और आप किसी प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल से पढ़े हुए हैं, यू आर वेरी आउट क्लास आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, तो तब भी आपको ये वीजा मिल सकता है, ठीक है. Then comes the US UAE visa application. Okay, we know कि जो visa application है that is अगर हम बाकी countries की बात करें तो usually what happens is that we go to the embassies and to the consulates and they grant us the visa by taking interviews and all those credentials of our documents and all that. लेकिन UAE में it's unlike other countries. There is no embassy of the UAE where you can go take your give interviews and all. तो UAE के अंदर जो है आपको अगर वीजा चाहिए है तो there is a different visa application system, ठीक है, you cannot submit a UAE visa application yourself, you must have a sponsor in the UAE or any authorized agency to submit it on your behalf, ठीक है. लाइक अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे आगे एक स्लाइड है विच टेल्स के आपको यूएई का वीजा कौन से स्पॉन्सर्स दे सकते हैं और क्या हो सकता है. हियर इट इज जस्ट मेंशन कि एप्लीकेशन के लिए आपको किसी एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्सुलेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे डोंट ऑपरेट इट दैट वे, दे जस्ट ऑपरेट ऑनलाइन और आप ऑनलाइन ही वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ हु कैन अप्लाई फॉर यूएई वीजा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है अप्लाई फिर, तो इसके लिए दे हैव टोल्ड कि जी इफ यू हैव अ होस्ट और स्पॉन्सर हु इज लिविंग इन द यूएई, अगर आप यूएई जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर समबडी यू आर गोइंग टू, अगर आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग देयर, देयर मस्ट बी अनदर पार्टी देयर जिसके साथ आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट पर्सन विल बी द होस्ट, या वो बताएगा, वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा कि दिस पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान और एनी वेयर इन द वर्ल्ड ही इज कमिंग टू द यूएई फॉर सर्टेन पर्पज, तो दैट पर्सन विल बी योर होस्ट जिसके साथ आप कोई भी डीलिंग कर रहे हैं. और इन केस इफ अ लाइसेंस ट्रैवल एजेंसी, जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप अपना टिकट बाय कर रहे हैं और उस टिकट मतलब उसकी कोलेबोरेशन से आप यूएई जाना चाह रहे हैं, जो एयरलाइंस भी होती है यूजली, सो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर योर वीजा देयर. यूजली हम जाते हैं ट्रैवल एजेंसीज के पास और वही हमारे वीजाज के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ केस कि आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं. और द होटल इन विच यू आर स्टेइंग इन द यूएई, आपने होटल में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग की जो रिसीट है यू कैन ऑल्सो शो दैट, एंड दैट होटल कैन अप्लाई ऑन योर बिहाफ फॉर योर वीजा एप्लीकेशन कि ये हमारे पास एक जो कस्टमर है ये रहने आ रहे हैं, या वो इस तरह से आपको वीजा एप्लीकेशन हो सकती है यूएई के अंदर. देर इज नो एम्बेसी, यू कैन गो टू एंड टेक योर इंटरव्यूज एंड गेट अ वीजा. नाउ देर इज वट डू आई नीड वेन आई अप्लाई फॉर द यू ए लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा. नाउ वेन वी टॉक अबाउट द वीजाज तो हमारे दिमाग में आता है दैट देर मस्ट बी सर्टन डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास होने चाहिए फॉर वीजा एप्लीकेशन. इट डजेंट मीन कि इट्स ऑनलाइन तो आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, एंड इफ इट्स फिजिकल यू हैव टू कैरी बंडल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद यू. इसके अंदर व्हेन यू अप्लाई फॉर द एंट्री परमिट परमिट ठीक है, यू जस्ट एंटरिंग तो यू नीड डॉक्यूमेंट्स सच एज कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, दीज आर वेरी जनरल थिंग्स कि आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, यू नीड द पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, यू नीड अ बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 6 मंथ्स एंड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक कंपनी ट्रेड लाइसेंस. ये उस केस में इफ यू आर इन्वेस्टिंग तो आपको कंपनी का ट्रेड लाइसेंस कॉपी चाहिए, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इफ यू आर डूइंग अ पार्टनरशिप विद अ पर्सन इन द यूएई एंड आईडी ऑफ अदर पार्टनर्स, अगर कोई हैं आपके पार्टनर्स इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है सामने तो यू हैव टू सबमिट दैट एज वेल.
देन अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लॉ के अंदर व्हेन यू डील, इट्स बेसिकली कंपनी का ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है. जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो आपके पास एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसके अंदर कंपनी के सारे लॉज लिखे होते हैं. दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी होता है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड इट्स नॉट रेलिवेंट हियर. लेकिन यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज लॉ में हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज विच कंटेन्स ऑल द लॉज ऑफ द कंपनी. और वो आप सब कंपनी के पार्टनर्स और इन सबको भी देते हैं, तो उसकी भी एक कॉपी आपको रखनी है इफ यू आर विलिंग टू ओपन अ कंपनी इन द यूएई. ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपने कंपनी अपनी पाकिस्तान में खोल ली. नाउ यू वॉन्ट टू यू नो यू वॉन्ट टू एस्टेब्लिश इन अनदर ब्रांच इन द यूएई, तो उस कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, यू नीड टू कीप अ कॉपी ऑफ दैट विद यू. उसके बाद प्रूफ ऑफ एक्रेडिटेशन बाय द रेलिवेंट यूएई अथॉरिटी फॉर स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स. स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स की जब हम बात करते हैं, आई टॉक्ड अबाउट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो. इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग कि कौन सी रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं जिनसे वो यू स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स अपना एक्रेडिटेशन लेटर ले सकते हैं. जैसे कोई डॉक्टर है तो वहाँ का जो कोई फेमस डॉक्टर्स वाला वो होगा. जैसे मैं बताती हूँ कि हमारे लाइसेंस यहाँ पर अप्रूव होकर आते हैं, कि मेडिकल का लाइसेंस है तो वो कहाँ से अप्रूव होकर आएगा. अगर हम किसी और फील्ड में कर रहे हैं तो वो जैसे पीटीए हो गया, नादरा हो गया, इस तरह की जो हमारे अथॉरिटीज हैं, तो जो जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं उनका लाइसेंस वहां से बनकर आता है. तो इसी तरह अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास स्पेशलाइज्ड टैलेंट है और आप यूएई जा रहे हैं, तो यू नीड अ प्रूफ ऑफ दैट लेटर कि यूएई की अथॉरिटी ने हमें अप्रूव किया, तो हम वहां पर अपनी सर्विसेज देने जा रहे हैं. अगर हम डॉक्टर हैं तो वहां का कोई जो बहुत फेमस फेमस तो नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट, जैसे जैसे मैं बताती हूँ, एचईसी हमारी डिग्रीज को अप्रूव करता है. सिमिलरली वैसे ही अथॉरिटीज होती हैं डिफरेंट ओहदों के लिए जो आपको अप्रूव करती हैं, आपको लेटर की जरूरत है. देन द प्रूफ ऑफ पेटेंट. पेटेंट का प्रूफ इन्वेस्टर्स को चाहिए, बिकॉज पेटेंट एंड कॉपीराइट्स एंड ऑल, ये सब जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं या जो अपना बिजनेस खोलते हैं, दीज आर फॉर दोस्ट. तो इफ यू यू नीड अ प्रूफ ऑफ पेटेंट जस्ट टू मेक श्योर कि यू ऑलरेडी हैव अ बिजनेस देयर, दैट्स व्हाई यू आर ट्रैवलिंग टू यूएई, या आप वहाँ पर फर्दर उस इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं. एंड देन दे हैव रिटन हेयर कि जब वेन यू आर अप्लाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा वंस यू आर इन द यूएई. नाउ जो ऊपर वाली हमने चीजें पढ़ी हैं, दैट्स यू आर इन द अदर कंट्री और अब आप वहाँ पर जा रहे हैं. लेकिन जो अब ये जो नीचे वाली डॉक्यूमेंट्स है, यूर ऑलरेडी ऑलरेडी यूएई के अंदर आप मौजूद हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि मैं वापस नहीं जाना चाहता अपने कंट्री, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस हियर और मैं यूएई के अंदर ही हूँ, मतलब आपने कहीं ट्रैवल नहीं करना, यूएई के अंदर रहते हुए लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स यू विल बी नीडिंग आर द योर एंट्री परमिट. आपका जो एंट्री परमिट है, जो आप आए थे यूएई, वो योर मेडिकल टेस्ट, पासपोर्ट पिक्चर्स, इमिग्रेशन एस्टेब्लिशमेंट कार्ड एंड एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर पर्पस ऑफ ट्रैवल, कि आप क्यों आए थे यूएई, वो सब बातें, वो हर डॉक्यूमेंट विच इज मेंशन्ड हियर, वो आपने वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपने मेंशन करना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लॉ के अंदर छोटी छोटी बातें भी जो होती हैं, दे मेक अ बिग डिफरेंस. सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस कैसे आ रहा है कि इफ आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान एंड वांट टू अप्लाई फॉर द यूएई लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए. एंड इफ आई एम ऑलरेडी इन यूएई फॉर एनी पर्पस और मैंने यहीं से बैठकर आगे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, तो तब मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. सो दैट क्लियरली मेक्स अ डिफरेंस इसके अंदर. Now, where to apply for UAE visa? Now, we talked about कि जी यहाँ तो कोई embassy ही नहीं है, there are no consulates, उनके overseas तो होते ही नहीं है, तो फिर कहाँ पे apply करें? Even if a sponsor is applying for you, तो कौन सा ऐसा portal है जहाँ पर वो apply कर सकता है? तो they said कि obviously UAE के अंदर तो agencies हैं और online भी हैं, तो यू कैन आइदर अप्लाई ऑनलाइन और इन पर्सन एट वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज. अगर आपका यूएई में कोई स्पॉन्सर है तो वो इन एजेंसीज के पास जा सकता है अप्लाई करने के लिए, या इफ नॉट तो ऑनलाइन के लिए इन्होंने यहाँ पर पोर्टल्स बताए हैं. एक ई चैनल पोर्टल है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के लिए, थ्रू विच होस्ट, ट्रैवल एजेंसीज या दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं कैन अप्लाई फॉर अ यूएई वीजा ऑन योर बिहाफ, एंड दिस इज ओनली ऑनलाइन, ये सिर्फ ऑनलाइन है. और एक वेबसाइट है जिसका नाम है जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी इन फॉरेन अफेयर्स, जिसकी एब्रिविएशन इज GDRFA. इसमें आप ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी अप्लाई हो सकता है. एंड योर स्पॉन्सर और होस्ट कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू वन ऑफ द लाइसेंस टाइपिंग सेंटर्स ऑफ द GDRFA इन ईच एमिरेट्स और थ्रू वन ऑफ द एमिरेट्स सेंटर्स इन दुबई. अब GDRFA के लाइसेंस सेंटर्स भी ने अपना लाइसेंस दिया होता है
जैसे होता है ना कि कुछ कंपनीज किसी दूसरे को लाइसेंस दे सकती हैं कि आप यहाँ पर यहाँ से भी हमारा टिकट ले सकते हैं। जैसे अक्सर शोज होते हैं जिनके टिकट्स होते हैं, तो जो हमारे पास कुछ इजी पैसा वाले होते हैं उनके पास से वो टिकट्स अवेलेबल होते हैं कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो दोज आर द लाइसेंस शॉप्स फॉर दोज कंपनीज जो कहती हैं आप यहाँ से हमारा टिकट परचेज कर सकते हैं। तो सिमिलरली GDRF ने कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए हुए UAE के अंदर, बिकॉज बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा अगर आप सब एक ही तरफ जाने लग पड़ेंगे। तो दैट्स व्हाई दे हैव डेलीगेटेड देयर पावर्स ऑफ इशूइंग द वीजास। तो उन्होंने लाइसेंस कर दी कुछ सेंटर्स को कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे वीजा के लिए। देन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द UAE वीजा? अब जब आपको UAE के वीजा मिल जाता है तो यू विल यूजली हैव अबाउट 60 days टू यूज इट एंड टू एंटर द कंट्री। और जब आप एंटर करते हैं तो द नंबर ऑफ डेज यू कैन स्टे इन द UAE डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ योर ट्रेवल। नाउ इफ इट बिकॉज हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा की बात कर रहे हैं, तो जितना आपका लॉन्ग टर्म वीजा होगा दैट्स द पर्पज ऑफ योर ट्रैवल, तो आप उतना ही स्टे कर सकते हैं। अगर आप किसी और पर्पज के लिए जा रहे हैं और आपको उस हिसाब से वीजा ग्रांट हुआ है तो आप उतने टाइम के लिए रहेंगे। दिस इज वेरी ऑब्वियस इन जनरल थिंग कि जितने टाइम का वीजा ग्रांट होगा आप उतना ही स्टे कर सकते हैं, लेकिन 60 days के अंदर अंदर आपको कंट्री में एंटर होना है व्हेन यू रिसीव अ वीजा। एंड UAE वीजाज फॉर एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो बेसिकली इशूड होते हैं फॉर मैक्सिमम 2 months ड्यूरिंग विच टाइम यू मस्ट कन्वर्ट इट इंटू अ रेजिडेंस वीजा। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए मिला है 2 months का वीजा तो इट मीन्स कि आपको 2 month के अंदर अंदर ही रेजिडेंस वीजा के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज यू हैव टू लीव द कंट्री। डजेंट मीन कि 2 months खत्म हो गए हैं, पूरे खत्म होने के बाद 3rd month स्टार्ट होकर आप कह रहे हैं नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा, क्यों? क्योंकि आई हैव थॉट कि मैं इन्वेस्ट करूंगा कंट्री में। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इफ यू आर विलिंग टू, आपने दिमाग बना लिया कि यू हैव टू इन्वेस्ट, तो उन 2 months के खत्म होने से पहले ही, अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा खत्म होने से पहले ही आपको इन्वेस्टर वीजा या जो रेजिडेंस वीजा है उसके लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज यू हैव टू लीव द कंट्री। देन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द UAE वीजा? अच्छा, दिस स्लाइड इज वेरी सिमिलर टू द सेकंड स्लाइड दैट आई टॉक्ड अबाउट, जिसमें हम 10 ईयर वीजा और 5 ईयर वीजा की बात कर रहे थे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इन्वेस्ट हो रहा है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कंट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जो आप 10 मिलियन या 500,000 दिरहम्स जो है आप इन्वेस्ट करें तो आप कौन से सेक्टर्स में कर सकते हैं। तो फॉर 10 ईयर वाला जो है तो उसमें उन्होंने कहा है कि यू कैन मेक अ डिपॉजिट इन एन इन्वेस्टमेंट फंड। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर 10 मिलियन दिरहम्स कैपिटल जो है उसके करीब करीब आप इन्वेस्ट करते हैं देन यू गेट द 10 ईयर वीजा, या आप कोई कंपनी सेट कर रहे हैं जिसका कैपिटल ही 10 मिलियन दिरहम्स है तो यू गेट द 10 ईयर वीजा, या यू बिकम अ पार्टनर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन UAE, आप उसके पार्टनर बन जाते हैं और आप अपने शेयर जो है आपके शेयर ही 10 मिलियन दिरहम है, देन यू कैन ऑल्सो गेट द लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा फॉर 10 ईयर्स। और 5 ईयर्स के लिए है दैट यू हैव टू बाय अ प्रॉपर्टी। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी जिसका ग्रॉस वैल्यू ही 5 मिलियन दिरहम्स है तो देन यू गेट द 5 ईयर वीजा। बट अगर आपको 10 वाला चाहिए तो फिर आपको 10 मिलियन दिरहम्स ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कम्स द 10 ईयर UAE वीजा फॉर पर्सन विद स्पेशलाइज टैलेंट्स। अच्छा, हमने इन्वेस्टर्स का पढ़ लिया, इन्वेस्टर्स कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स में करेंगे, दे हैव स्पेसिफाइड पब्लिक सेक्टर्स में करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे तो पब्लिक सेक्टर में एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर कोई बंदा कोई स्पेशलाइज टैलेंट्स के साथ है लाइक द एक्सपर्ट्स, तो उनको कैसे वीजा मिलेगा 10 ईयर वाला? तो दे सेड के अगर उनको वीजा चाहिए ना, तो अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसको एक्रेडिटेशन की थी, तो यहाँ पर अगर साइंटिस्ट है तो उसको लेने की जरूरत है, एक्रेडिटेशन लेटर लेने की जरूरत है और होल्ड अ मोहम्मद बिन राशिद मेडल फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस। ये उनके कंट्री का कोई कोई मेडल है जो उसके पास होना चाहिए या इस काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए, देन ही गेट्स द वीजा। इफ ही इज एन आर्टिस्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नॉलेज डेवलपमेंट से। इफ ही इज एन इन्वेंटर, कोई इन्वेंटर है, कोई नई चीज इन्वेंट कर रहा है, तो ही मस्ट हैज अ पेटेंट। पेटेंट मीन्स के ही मस्ट हैव दैट के मैंने किसी का आइडिया कॉपी नहीं किया, आई हैव द पेटेंट एंड कॉपी राइट्स फॉर माई ओन प्रोडक्ट और आइडिया, तो वो उसके पास होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी जो है उसको उससे अप्रूव होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी फॉर UAE है, नॉट फॉर द कंट्री ही इज रिजाइडिंग करंटली रिजाइडिंग है, अपनी कंट्री के नहीं जहाँ पर वो जाना चाह रहे हैं। ऑफकोर्स UAE का हम बात करें तो UAE से। Then it's a very important question that can you take your spouse and children with you when you have the investor visa? आपको investor visa मिल गया है long term. Can you take your spouse? तो उन्होंने कहा है कि yes, if you have an investor visa, you're allowed to bring
योर फैमिली मेंबर्स विद यू, जैसे कि आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, एंड एडिशनली द वीजा कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड वन एडवाइजर. देन कैन यू हैव अ बिजनेस पार्टनर विद यूएई इन्वेस्टर वीजा? मुझे तो जैसे मिल गया है बिजनेस और वीजा, इन्वेस्टर वीजा, क्या मैं अपने बिजनेस पार्टनर को भी लेकर जा सकती हूँ जिसके साथ मैंने वो बिजनेस करना है? एंड ऑफ कोर्स यस, बिकॉज ही इज अ बिजनेस पार्टनर. उस बिजनेस की वजह से ही मुझे वो वीजा मिला है. तो मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स कैन अप्लाई अंडर अ सिंगल यूएई इन्वेस्टर वीजा. दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट कि हर किसी को अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इफ वी आर अ कंपनी, वी हैव फोर पार्टनर्स, तो सब एक ही सिंगल इन्वेस्टर वीजा के अंडर अप्लाई कर सकते हैं. बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन स्प्लिट द इन्वेस्टमेंट मल्टीपल वेज. ऐसे नहीं है कि जैसे अब दे हैव सेड कि जैसे 10 मिलियन दिरहम्स पर आपको मिल रहा है वीजा, तो ये नहीं कि आप 10 मिलियन जो है वो डिवाइड कर लें. हर किसी को अपने अपने 10 मिलियन इन्वेस्ट करनी है. ऐसा नहीं कि आई डिवाइड के फोर में डिवाइड कर लूँ, चले हम सब मिलकर 10 मिलियन इन्वेस्ट कर लेते हैं. दिस इज फॉर इंडिविजुअल पर्सन. चार पार्टनर्स हैं, इट मीन्स 40 मिलियन दिरहम्स जो है उनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. देन दे गेट दे ऑल गेट द वीजा अंडर सिंगल इन्वेस्टर वीजा. हाउ टू अप्लाई फॉर यूएई इन्वेस्टर वीजा? इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो फॉरनर्स हैं हु आर अप्लाइंग फॉर अ वीजा फॉर द यूएई, दे हैव टू बी स्पॉन्सर्ड बाय समवन. द सेम थिंग दैट आई हैव टोल्ड बिफोर, सच एज या तो उनका जो एम्प्लॉयर है अगर वो वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर उनका स्कूल इफ यूर अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट बिजनेस वीजा. तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर सेल्फ विदाउट द नीड ऑफ अ स्पॉन्सर. जैसे कि फॉर यूएई इन्वेस्टर वीजा द रजिस्टर्ड कंपनी सर्व्स एज योर स्पॉन्सर. अगर आपको स्पॉन्सर कर देता है कोई वहां से तो इट्स ओके, दैट्स फाइन. बट अगर नहीं करता, तो अगर आप यूर जेन्युइनली रजिस्टर्ड कंपनी है, दे कैन ऑल्सो सर्व एज योर स्पॉन्सर. लेकिन अगर नहीं, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर सेल्फ ऑनलाइन. इन पर्सन तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू. वो अगर आपने इन पर्सन करवाना है, तो वो वहां पर जो आपका स्पॉन्सर है, एज आई टोल्ड बिफोर कि वो जो लाइसेंस रजिस्टर्ड पोर्टल्स और कंपनीज हैं यूएई के अंदर, वहां आपकी जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो आपके एज अ स्पॉन्सर सर्व करेंगी. बट अगर सिर्फ ऑनलाइन की बात की, तो आप अपना खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन उसके लिए आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स, पेटेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अटैच करना पड़ेगा टू प्रूव दैट यू रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द यूएई. देन फॉर यूएई प्रॉपर्टी वीजा, जो प्रॉपर्टी है आपकी जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एज, तो वो जो वहाँ का जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, जिसके साथ आप या तो शेयर्स अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो आप उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन ही मस्ट ही नीड्स टू सर्व एज अ स्पॉन्सर फॉर यू. अगेन इसमें फिर अप्लाई करने की जब बात होती है, तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट और वेबसाइट्स भी दी हैं ऑफ द GDRFA इन ईच एमिरेट. इन्होंने बताया अबू धाबी में है, दुबई में है, अजमन में है और रास अल खेमा के अंदर है. दीज आर आर दी ब्रांचेस फॉर द GDRFA, जिसकी मैंने पहले बात की थी कि जो लाइसेंस्ड डिफरेंट और जो काउंसिल्स हैं वो कौन कौन सी जगहों पर हैं. हर एमिरेट में है GDRFA की, और ये कंट्री, ये उसके लिखे हुए एमिरेट्स के नाम, जैसे अबू धाबी में भी है, दुबई में भी, अजमन में भी है, इन सब में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रेजिडेंट. लास्ट लास्ट स्लाइड, और ये है कि आपको कैसे, जो आपको दुबई में अगर इन्वेस्टर वीजा चाहिए स्पेसिफिकली दुबई के अंदर, तो उसके लिए क्या है कि जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं जो सेटल होना चाहते हैं द एमिरेट ऑफ दुबई, दे हैव टू अप्लाई फॉर एन इन्वेस्टर वीजा. क्योंकि दुबई जो है इज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट इन मेकिंग अप कंट्री ऑफ द यूएई, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस दुबई के अंदर ही लोग करते हैं. तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना फॉर एन इन्वेस्टर वीजा फॉर दुबई, दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो कि पहले जो पहले हम बता चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है इसका भी जो प्रोसेस है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि दैट यू विल अप्लाई डायरेक्टली टू द GDRF ऑफिस इन दुबई, नॉट इन एनी अदर एमिरेट. जैसे अबू धाबी के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दी है, दैट इज नॉट पॉसिबल. दुबई का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर आपको, जैसे बाकियों का है ना, बाकी एमिरेट्स का है, यूएई के अंदर अगर आपको अबू धाबी में जाना है, तो आप किसी भी एमिरेट में अप्लाई कर सकते हैं अबू धाबी के लिए, यू कैन गो देयर. लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपने दुबई में इन्वेस्ट करना है, तो दुबई के अंदर जो GDRFA का ऑफिस है, आप वहीं पर अप्लाई करेंगे, बिकॉज दुबई इज अ वेरी हैपनिंग एमिरेट ऑफ द यूएई. बहुत ज्यादा बिजनेसेस होते हैं वहां पर, तो स्पेसिफिकली अगर वहां इन्वेस्ट करना है, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली गो टू द GDR ऑफिस. आपका स्पॉन्सर वहां जाएगा, या यू कैन अप्लाई ऑनलाइन इन वन ऑफ द ऑफिसेज इन दुबई.
हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफर में आपके साथ साथ रहते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 0097156549994 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।